मैं जानता हूँ मेरी कल की और आज की बातों में विरोधाभास है। ऐसे पहले कभी नहीं हुआ कि मुझे अपनी पताई कोई तिथि बदलनी पड़ी हो, पर जो कल हुआ वो मेरी समझ से परे है। पंडित जी को फ्लैशेज आए कल रात के चुड़ैल के सपने, पंडित जी ने कंटिन्यू किया, पता नहीं कहाँ से रोशनी आई, सारी कुंडलियाँ हवा में तैरने लगी इधर उधर, वापस से उनको फ्लैशेज आए, उन्होंने कंटिन्यू किया पंडित जी ने, जो कुंडली मेरे चेहरे पर आकर रुकी वो कुंवर सा की थी, मुझसे कल उनकी गणना करने में त्रुटि हुई थी, लाल चांद की रात के सिवा कुंवर सा की शादी नहीं हो सकती, अगर उस दिन ये शादी नहीं हुई तो फिर कभी नहीं होगी। वैसे भी शादी तो मैं लाल चांद वाली रात को ही करना चाहती थी, और अब तो पंडित जी ने उसके लिए हाँ भर दी। फ्लैशेज आने लगे दीवार के बारे में, मेरे खानदान में एक दिन शादी होने से पहले लड़की मैं अकेले शिव मंदिर में जाके जाप करती हूँ, वो जो धर्म में शिव मंदिर है मैं वहीं जा रही हूँ। अपन ने देखा आपकी तरफ, पापा ने बोला जाओ जाओ, कितने भी मॉडर्न हो जाए सब रीत तो निभानी चाहिए, आपने पीछे टर्न किया और आप स्ट्रेट चले गए, जाओ जाओ कितने भी मॉडर्न हो जाए सब रीत तो निभानी चाहिए। निशिकंधा के चेहरे पर छाई हंसी, पंडित जी ने बदली अपनी दी हुई तिथि, लाल चांद के रात होगी मोक्ष निशिकंधा की शादी, मोक्ष और निशिकंधा की हुई बात। कलर्स टीवी के शो सुहागन जुड़ैल के ऑन लोकेशन से हम लेकर आए हैं आपके लिए लेटेस्ट अपडेट, जहां पर हमें ये देखने मिल रहा है जैसा कि निशिकंधा ये सुनकर मुस्कुराती हुई नजर आ रही है, जब पंडित जी आकर इस बात का खुलासा करते हैं कि वो अपनी दी गई तिथि बदलना चाहते हैं, क्योंकि कल रात उनके संग एक हादसा हुआ जब उनके कमरे में अचानक से तेज रोशनी आई और सारे पन्ने इधर उधर उड़ने लगे, जहां पर उनके पास मोक्ष की कुंडली आई और मोक्ष की कुंडली को दोबारा पढ़ने के बाद उन्हें यह पता चला कि लाल चांदनी रात के दिन ही हो सकती है मोक्ष और निशिकंधा की शादी। वहीं दूसरी तरफ निशिकंधा ये कहती है कि उसे लाल चांद के रात ही शादी करनी थी और अब तो पंडित जी ने भी उसके लिए हामी भर दी है, जिसके चलते मोक्ष को माँ को अब कोई एतराज़ नहीं होना चाहिए। जहाँ पर जब निशिकंधा मोक्ष से सवाल करती है तो मोक्ष भी अपनी खुशी बयां करता है। वेल, क्या है आपका कहना, आप हमें ज़रूर बताएँ और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।